एक सच्चा और अच्छा और एक इंटेलिजेंट प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा मार्केट में वेट करता है कि मार्केट में एक मूवमेंट उसे मिले जो मूवमेंट का वो फ़ायदा उठा सके। अगर आप भी ऐसे ही ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको भी मार्केट में वेट करना पड़ेगा। वेट करने के बाद जब आपको मौका मिले तब आपको एंट्री लेनी चाहिए और प्रॉफिट बुक करके निकलना चाहिए। प्रॉफिट बुक करके निकलना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एक अच्छा और एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए। चलिए आज की वीडियो में एक इंडिकेटर लेके आई हूँ आपके लिए। आपको दिख रहा है मेरे चार्ट में इंडिकेटर मैंने यहाँ पर प्लॉट कर रखा है और अगर हम बैंक निफ्टी के चार्ट में देखें तो आप देख पा रहे हैं साइडवेज मार्केट में ये इंडिकेटर बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा। मैं जो भी इंडिकेटर बताती हूँ वो साइडवेज मार्केट में बिल्कुल भी वर्क नहीं करेंगे। अगर आप साइडवेज मार्केट में भी ट्राई करते हो तो आपको लॉस होगा। इसलिए मैं बोल रही हूँ आपको वेट करना ज़रूरी है। इस इंडिकेटर में तो आपको बिल्कुल वेट करना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इंडिकेटर ने ब्रेक डाउन दिया उसके बाद मार्केट ने कितना बड़ा मूवमेंट दिया है। एक ब्रेकआउट का एग्जांपल देख लेते हैं। बैक टेस्टिंग करके दिखा रही हूँ आपको ताकि आपको समझ में आए कि कहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए कहाँ पे एंट्री नहीं लेनी चाहिए कहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं साइडवेज मार्केट में बिल्कुल भी वर्क नहीं करता ये इंडिकेटर। अगर साइडवेज मार्केट में आपने ट्रेड ले भी लिया तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। स्टॉप लॉस हिट होने के बाद आप इसे अवॉइड कर दीजिए, कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ब्रेकडाउन के बाद कितना बड़ा मूवमेंट मार्केट ने दिया है आप देख पा रहे हैं। ब्रेकडाउन हुआ, इस इंडिकेटर का ब्रेकडाउन होने के बाद यहाँ पे डाउन साइड मूवमेंट दिखाया मार्केट ने। पुट साइड अगर आपने एंट्री ली होती तो इतना बड़ा प्रॉफिट आप बुक करके घर लेके जा सकते थे। यहाँ पे और एक एग्जांपल देख लीजिए, ब्रेकडाउन होने के बाद इतना बड़ा टारगेट आपको मिल सकता था। यहाँ पे साइडवाइज मार्केट में बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा। ब्रेकआउट का हम अगर यहाँ पर एग्जाम्पल लें तो यहाँ पर आप देख पा रहे ब्रेकआउट होने के बाद इतना बड़ा मूवमेंट मार्केट ने दिया है। इस तरह से ये इंडिकेटर वर्क करता है। कौन सा इंडिकेटर है, क्या सेटिंग होने वाली है ये मैं बताने वाली हूँ वीडियो में। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद इस इंडिकेटर का ब्रेकआउट होना ज़रूरी है। ब्रेकआउट होने के बाद अगर आपने कॉल साइड एंट्री ली होती तो इतना बड़ा प्रॉफिट आप लेके जा सकते थे। तो ये इंडिकेटर इस तरह से वर्क करता है दोस्तों। आपको यहाँ पर रेड लाइन दिख रही होगी, रेड लाइन का जब भी ब्रेकडाउन होता है आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। 1:2 का आपका टारगेट होना चाहिए, 1:2 का टारगेट बिल्कुल मार्केट ने दिया है आप देख पा रहे हैं। कॉल साइड अगर आप एंट्री लेते हो तो ब्लू लाइन यहाँ पे क्रिएट होनी चाहिए। ब्लू लाइन क्रिएट होने के बाद यहाँ पे आप कॉल साइड एंट्री ले सकते हो ब्रेकआउट के बाद। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो कितना बड़ा टारगेट मार्केट ने दिया है। आपका टारगेट 1:2 का ही होना चाहिए इस स्ट्रैटेजी में। साइडवेज मार्केट में बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है इस स्ट्रैटेजी में। ट्रैप से किस तरह से बचे जाए इस वीडियो को, इस बेहतरीन स्ट्रैटेजी को, 1 मंथ की स्ट्रैटेजी को, 50 EMA, 9 EMA और एक इम्पॉर्टेंट 200 EMA की वीडियो को आप सभी ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया दोस्तों। इसके लिए थैंक यू सो मच। अगर आपने ये सारी वीडियो नहीं देखी है तो आपको मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो ये सारी वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने मिलने वाले हैं मार्केट से रिलेटेड, तो अभी जाके देखिए मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में वीडियो मिल जाएगी। चलिए देख लेते हैं एंट्री लेने के बाद। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ब्लू लाइन क्रिएट हुई, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे आपकी कंफर्मेशन कैंडल बनी। कंफर्मेशन कैंडल पे आपको एंट्री लेनी है। एंट्री लेने के बाद आपका टारगेट 1:2 का होना चाहिए जो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए ये ब्रेकआउट कैंडल का जो नीचे हिस्सा है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डाउन साइड आपको ब्रेकआउट कैंडल के डाउन साइड थोड़ा सा नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना होता है जो इंडिकेटर के बाद का आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा। आपका टारगेट मैंने बता दिया, एंट्री पॉइंट बता दिया, कंफर्मेशन कैंडल पे एंट्री बनेगी आपकी। उसके बाद आप देख पा रहे हैं मार्केट ने कितना बड़ा मूवमेंट दिया है। यहाँ पे हम देख लेते हैं कितना मूवमेंट दिया है मार्केट ने। अगर आपने यहाँ पे एंट्री ली होती कंफर्मेशन कैंडल पे तो भी आपको 948 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ होता। तो इस तरह से ये स्ट्रैटेजी वर्क करती है दोस्तों। इंडिकेटर कौन सा है ये मैं बताने जा रही हूँ। यहाँ पे आपको आ जाना है इंडिकेटर में। इंडिकेटर में आने के बाद आपको टाइप करना है ट्रेंड मैजिक। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ट्रेंड मैजिक यहाँ पे मैंने प्लॉट किया हुआ है ऑलरेडी। तो यहाँ पे आपको टाइप कर लेना है ट्रेंड मैजिक। टाइप करने के बाद ये इंडिकेटर आपके सामने ओपन हो जाएगा।
के बाद ये प्लॉट हो जाएगा आपके चार्ट में, और इस तरह से ये वर्क करने लगेगा। आपको 15 मिनट के टाइम पे इसे अप्लाई करना है, साइडवेज मार्केट में बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है। ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे आपको एंट्री लेनी होती है। ये इंडिकेटर आपको डेली प्रॉफिट करके देगा दोस्तों, अगर आप इसके रूल्स को फॉलो करते हैं। तो यही था दोस्तों वीडियो में, वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाने के लिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले हर नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि और लोग इस वीडियो को देख के एनालिसिस करना सीख सके, प्रॉफिट बन सके, अपने लॉस को धीरे धीरे रिकवर कर सके। थैंक यू सो मच।